दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज हम लिखने वाले हैं एक ऐसे, जी हाँ, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके ऊपर आज हम एक ऐसे लिखने वाले हैं। टोटल हम 10 पॉइंट्स लिखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टाइटल लिख लेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज। तो फर्स्ट पॉइंट दोस्तों अपना होगा उनके काम के प्रति, उन्होंने क्या काम किया था वो हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में लिख देंगे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज अ ब्रेव किंग, मतलब वो एक बहादुर किंग थे, हु एस्टैब्लिश्ड द मराठा एम्पायर। तो दोस्तों, शिवाजी महाराज ये एक ब्रेव किंग थे, उन्होंने मराठा एम्पायर की स्थापना की थी, ये इसका अर्थ होता है। शिवाजीज पेरेंट्स वर शाहजी भोसले एंड हीज मदर वॉज जीजाबाई भोसले। तो दोस्तों, शिवाजी महाराज जो थे उनके पेरेंट्स का नाम है शाहजी भोसले, ये उनके पिता थे, और उनकी मदर का नाम है जीजाबाई भोसले। तो अभी 2 पॉइंट्स हमने उनके बारे में लिख लिए हैं, तो अभी हम लिखेंगे उनकी बर्थ डेट के बारे में। तो शिवाजी वॉज बॉर्न इनसाइड द फोर्ट टाउन ऑफ शिवनेरी। तो शिवनेरी इस जगह पे उनका जन्म हुआ था। अभी उनका डेट लिखेंगे हम, इन महाराष्ट्र। तो शिवनेरी ये जो जगह है ये महाराष्ट्र में है, ऑन 19th February 1627। तो 19th February 1627 में उनका जन्म हुआ था, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। अभी आगे बढ़ते हैं। शिवाजी वॉज ब्रेव एंड इवन एज अ बॉय। अभी इसका क्या मतलब है कि वो जब छोटे थे तब भी वो बहुत बहादुर थे। शिवाजी वॉज ब्रेव एंड इवन एज अ बॉय ऑफ 15 ही कैप्चर्ड 3/4। तो देखिए, हमने ये लिखा है कि जब वो बच्चे थे, मतलब 15 साल की उम्र में ही वो इतने बहादुर थे कि उन्होंने 3/4 के ऊपर अपना कब्जा हासिल कर लिया था। 5वां पॉइंट, शिवाजी वॉज क्राउंड एज छत्रपति शिवाजी इन द फोर्ट ऑफ रायगढ़। तो शिवाजी महाराज को छत्रपति इस नाम की पदवी फोर्ट रायगढ़ में दी गई थी इन द ईयर 1674। तो ये पॉइंट हमने यहाँ पे कवर किया है कि उन्हें छत्रपति इस नाम की जो पदवी है वो उन्हें फोर्ट रायगढ़ में ईयर 1674 में मिली है। तो अभी 6th पॉइंट देखेंगे, शिवाजी वॉज वेरी रिलीजियस एंड
एंड हैड बीन ब्रॉट अप शिवाजी वॉज वेरी रिलीजियस एंड हैड बीन ब्रॉट अप लिसनिंग टू हिंदू scripture by his mother Jizabai. Shivaji Maharaj dharm ke prati pyar karne wale ek vyakti the. Though Shivaji was a devout Hindu, he was tolerant and supported. He was tolerant and supported other religions too. वो एक हिंदू थे लेकिन उनका बाकी धर्मों के प्रति भी बाकी धर्मों को भी वो उतना ही सपोर्ट करते थे. वो भेदभाव नहीं करते थे इसका मतलब है. छत्रपति शिवाजी died in the year 1680 from an illness. तो यहाँ पे लिखा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का मृत्यु 1680 में हुआ है from an illness. किसी बीमारी के वजह से उनकी मृत्यु हुई है 1680 में. थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक थी. तो उनके बाद में मतलब शिवाजी महाराज के बाद में जो संभाजी भोसले उनके जो एल्डर सन थे उन्होंने आगे पूरा कामकाज संभाला है. तो वो हम लिखेंगे यहाँ पे संभाजी भोसले शिवाजीज एल्डेस्ट सन सक्सीडेड हिम एज द छत्रपति as the Chhatrapati of the Maratha Empire. तो यहाँ पे हमारा 9 point क्लियर हो चुके हैं. अभी एक लास्ट पॉइंट हम लिख देंगे. अभी लास्ट पॉइंट जो है वो हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में लिखेंगे. फेब्रुवरी 19th इज सेलिब्रेटेड एज छत्रपति शिवाजी जयंती टू कॉमोरेट the birth of the brave Maratha king. तो 19th फेब्रुवरी ये हम शिवाजी महाराज की जयंती के प्रति मनाते हैं. तो दोस्तों ये पूरा ऐसे हमने शिवाजी महाराज के ऊपर लिख दिया है. टोटल 10 पॉइंट्स हमने कवर किए हैं. तो इस 10 पॉइंट्स में आपको काफ़ी जानकारी देने की कोशिश हमने की है. सो थैंक यू फ्रेंड्स. वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद. अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. और इस चैनल पर अलग अलग वीडियोस आपको आपके स्कूल्स के रिलेटेड आपको आपके सिलेबस के रिलेटेड एसेज लेटर राइटिंग आपको मिलेंगे. तो तब तक के लिए बाय.